फ्रेंड्स, अज आप अपना लगे एक होर नवा ब्लॉग जिसे आप चलेंगे सूरिस, जो कि हैगा अराउंड 40 किलोमीटर अपने ब्रैंडन तो। आप चलते हैं तो विखाने लोंगेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन कैनेडा। चलो मेरे नाल, लेट्स गो। पहुंच चुके हैं सॉरीस, इन्हों का खड़ा बहुत पुराना इंजन बेबी बच्चे वाला। लो जी, आप पहुंच गए सॉरीस। हम आप दिखाने थानू बोर्ड जिदे सारा डायरेक्शन दितियां हुई हैं। आ देखो, लो जी पुल वाल जाते हुए देखो मेरे नाल ही है पिछे सस्पेंशन ब्रिज जितों आप स्टार्ट करते हैं तो अगे जाके तुम दिखाने है जी। इतने लोंगेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कैनेडा का अगे जाके दिखाने कि इन्हों का पुराना भी बनया हुआ सी, बट इन्होंने न्यू बनाया कुछ टाइम पहले ही, आई गेस 50-60 साल पहला। सो देखो कितना बढ़िया व्यू है, थले गार्डन बने हुए है, देखो कितना बढ़िया सूरज लोकेशन। देखो इस टाइम पूरा हिल रहा है, अजे तो हवा चलती नहीं, जब हवा चलती पूरा झूलता है। लोका दे घर है देखो पीछे बैक साइड से, थले रिवर चली है। हमने मैं देखा सी कई गोरे की कहते बोट लैके फिर एक फिर देखो यॉक लैके फिर दूजे पीछे मोटर बोट आई जाती है। कुछ टाइम चाहना थानू मैं थोनों कहा सी ना मोटर बोट आई जाती है, वो देखो आ रही। एक होर आ गई, पहले ही तुम दस्या सी एक इन्हां दा पुराना ब्रिज भी हैगा, ये तो जस्ट ब्रांड न्यू बनाया इन्होंने कुछ टाइम पहला ही। आ देखो जी, मैं गल करदा सी 1976 तो 1976 तो 2011 तक देखते ही जाके प्लान भी बनाया सी, जाके देखते हैं ये किदा दा, पर इन्होंने इत्थे बंद किया होया गेट, मे बी ज़्यादा पुराना था। ये हैगा हिलक्रेस्ट म्यूजियम जेड़ा कि इस टाइम क्लोज है। वो देखो मेरे हाथ से मक्खियां बहुत पै रही हैं, मधुमक्खियां पता नहीं इधर शायद मैं देख रहा सी राय च वाढ़ी चलती भी है तो मे भी बहुत इधर है मक्खियां। इन्हों का पुराना इंजन आ पता नहीं केड़े सन का, रहा देखो प्रॉपर सारा कुछ विंटेज मेनटेन किया है इन्होंने। ये फायर डिपार्टमेंट का है म्यूजियम जिदे मैं लगता फायर ब्रिगेड सी इन्हों की। एक होर गल, उन्हें हैलोवीन आने वाली गोरियां के घर देखो सजाने भी शुरू करते, नाल है दे आ देखो किड्डा सोहना टाउन है छोटा जिहा, छोटे छोटे कैफे, वो देखो चाइनीज एंड कनेडियन फूड, गेस्ट रूम बिल्कुल छोटा छोटा है, कितना क्लीन है। देखो
बाकी जे तुसी एदा दे छोटे छोटे ब्लॉग्स नवी नवी लोकेशन देखनी है लाइक कर दो वीडियो नू, चैनल सबसक्राइब कर दो, शेयर कर दो ते कमेंट कर दो। धन्यवाद।